हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह सुबह 8:30 बजे से। तो अभी मैं गई थी छत में कपड़े धो के, तो अभी नाश्ता वास्ता बना दिया है। तो अभी हमको दोनों तक गेहूँ, ये तो पहले कपड़े डाल देती हूँ उसके बाद धोएंगी फिर गेहूँ। ये देखो सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू देखो कितना अच्छा हो रहा ना। तो फिर उसके बाद हमने धो लिए थे फटाफट गेहूँ, क्योंकि आज थोड़ा मौसम धूप वाले जैसा लग रहा था ना, पर बादल भी थे पर धूप भी आई थी, इसलिए हमने धो दिया फटाफट और उनको सुखाने के लिए डाल दिया। तो उसके बाद आए हम नीचे, उसके बाद फिर हमने बनाया ब्रेकफास्ट, उसके बाद हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर मैं जा रही थी कचरा फेंकने के लिए, और जो गीला कचरा है ना उसको गाय को देंगी। यहाँ पे गाय है ना, और आज का मौसम देखो कैसा हो रहा है, एकदम धूप और बादल दोनों मिक्स हो जा रहे ना, कभी धूप कभी बादल। तो फिर मैं इसको गई थी गाय को देने के लिए पहले, क्योंकि वो गाय है बहुत बीमार भी है, वैसे भी हम इसको हमेशा देते हैं। और उसके बाद सूखा वाला कचरे को सूखा दिया, जला दिया था। तो फिर उसके बाद हुई इसु की पढ़ाई का टाइम। देखो इसु की तबीयत भी ख़राब है ना, ये देखो इसको ममसू है ना, ये देखो कितने बड़े गाल हो गए इसु के सूझ सूझ के। उसके बाद फिर मैंने इसु किताब पढ़ाया, होमवर्क का कराया था। ये देखो इसु ने कर दिया है होमवर्क का भी अपना, क्योंकि इसु स्कूल नहीं गया था ना कल, आज तो वैसे भी संडे ही है। तो इसका हो गया होमवर्क कंप्लीट। उसके बाद फिर थोड़ा मैंने रफ कॉपी में इसको काम कराया, क्योंकि ना इसको लिखने में बड़ा वो लगता है, झमेला लिखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसको लिखाना पड़ता है हाथ पकड़ पकड़ के। ये देखो अभी इसकी देखना है, हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है इसको, वैसे अपने हाथ से लिखेगा ही नहीं, फेंक देता है पेंसिल वेंसिल सब। तो उसके बाद आ गई थी तेज़ वाली धूप। उसके बाद फिर मैं गई छत में, फिर गेहूं को घुमा के आई थी, क्योंकि ना ये गीले हैं ना इसलिए इनको बार बार घुमाना पड़ता है, सूख जाएंगे जल्दी जल्दी। और चादर फिर और डालना पड़ेगा, क्योंकि ना यहाँ पे कबूतर इतने आते हैं ना गेहूं को पूरा खा के, पूरा वैसे भी चादरों में इतने बड़े छेद किए ना उन्होंने अपनी चोंचों से मार मार के गेहूँ खाने के लिए पूरा चादर ही फाड़ दिया। फिर भी ढकना पड़ता है ना, क्योंकि नहीं तो पूरा फैला देते हैं पूरे छत में गेहूँ को। तो ये हो गया है मेरा, अब मैं इसको फटाफट बंद करती हूँ, उसके बाद जाती हूँ नीचे, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप लगी है। यहाँ पे खड़े होने के लायक बिल्कुल नहीं हो रहा है, इतनी तेज़ धूप है। तो ये देखो दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रातों रात एकदम काला काला, इतनी जलन हो रही ना इसमें, ये देखो पूरा काला काला कैसे दे रहा है। इतनी गर्मी होगी ना अभी छत में, देखो मोन्टी में बैठने में ज़्यादा गर्मी होती है, देखो पूरा पसीने से, ये देखो कैसे हो रहा है ये। तो उसके बाद तो ये देखो, ये है हमारा मिक्की, कैसे देखा है अभी हमें किचन में जाने का टाइम हो गया ना, खाना बनाने का टाइम, तो यहाँ पे मिक्की बैठा था। तो ये देखो हो गया हमारा खाने की तैयारी बनाने की। तो अभी दाल रख दिया था, अभी चावल भिगोने के लिए डाले हैं। ये देखो आज का मौसम, बाप रे कितने बादल लगे हैं, धूप भी आई है और बादल देखो कितने अच्छे लग रहे ना, वाह। तो फिर खाए हमने आम, एक आम बचा था फ्रिज में लास्ट। और मिक्की देखो, मैं आम खा रही, मिक्की देखा आगे से, पर खाता नहीं है, देखा है। ये देखो कैसे देखा है मिक्की, डर लग रही इसको देख के यार, डरा देता है। तो इसको तो सुला दिया था उस टाइम पे, इसे सो गया था, इसु के सोने तक हमारा खाना बन गया था। तो ये देखो 1 घंटा भी नहीं सोया, इसु उठ गया, अब बोला पॉपकॉर्न खाना है। उसके बाद पॉपकॉर्न खा रहा था, इसु के साथ आ गया था मिक्की वहाँ पे। देखो अभी मिक्की भी खाएगा इसु का। हाँ ये देखो मिक्की और इसु का तो पूछो मत, दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है इनको खाने के लिए। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं शाम के 4, उसके बाद हम गए थे छत में, क्योंकि अभी बारिश वाला मौसम हो गया था एकदम से। तो हम छत में गेहूँ उठाने के लिए गए थे, देखो मौसम कितना काले काले बादल लगे हैं, बाप रे। तो उठा दिए हैं अभी हमने गेहूँ, अंदर रख दिए हैं गेहूँ से, ये देखो गेहूँ उठा दिए, अभी सूख गए, अब भी अच्छे से नहीं सूखे, 2-3 दिन और सुखाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर बनाई हमने शाम की चाय, क्योंकि उसके बाद फिर अम्मा लोग घूमने के लिए जाते हैं ना सब लोग। तो फिर होगी थी हमारे शाम का घूमने का टाइम, अब बच चुका है 6:30 है, तो हम भी आए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। और ये देखो आंटी लोग आ रहे हैं आगे से घूम के और घास वास लेके, आंटी लोग येल्लो आए बोल रहे। तो ये आ गई सोमिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।